हमारे साथ अर्जुन राम वेगवाल जी फिर से जुड़ गए हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि पिछले कुछ एक हफ्तों में बार बार ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर राज्य से, जहां पर कभी किसी ईसाई की कभी किसी किसान की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी गई है। अब आपके एक नेता है कर्नाटका में, उन्होंने चिट्ठी लिखी है ये कहकर कि सारे वक्फ की प्रॉपर्टीज का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या ये सवाल? जी सर, जी मेघवाल जी, आज का विषय तो अलग था, लेकिन फिर भी ये विषय जेपीसी के सामने है तो जो जेपीसी निर्णय करेगी उसके बाद निर्णय करेंगे हम इस पे, क्योंकि हम पार्लियामेंट अफेयर्स का मैं मंत्री हूँ, तो जेपीसी में जब बात हो रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। जेपीसी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे इसमें। ठीक है सर, जो कर्नाटका में हुआ है जहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो नोटिसेस दिए गए थे कई किसानों को, उनकी जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया था, क्या आप जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या एक तरीके से आपकी बहस क्या वक्त पे है क्या आज? जी सर। नहीं नहीं, ये आपकी बहस आज वक्त पे है क्या? हाँ जी मेघवाल जी, तो मैंने कहा नहीं, तो जेपीसी में मामला चल रहा है भाई। जेपीसी अपना इसको डिसाइड कर रही है, जेपीसी दोनों सदनों की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें लोकसभा के भी लोग हैं, राज्यसभा के भी है, वो एक बार डिसाइड करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो सबको पता ही है कि अननेसेसरी का कब्जा हो गया, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, रातों रात बोर्ड चिपका देते हैं, जनता परेशान होती है, तभी तो ये अमेंडमेंट आया है। इसमें इसमें तो सच्चाई है, तभी तो अमेंडमेंट आया और उसी पे तो जेपीसी जो है वो चर्चा कर रही है। जो नया अमेंडमेंट की बात की जा रही है उसी का जिक्र करते हुए आज असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे अमेंडमेंट की बात अब करेंगे, बाद में करेंगे, अभी कभी करेंगे अमेंडमेंट की बात, ठीक है? अभी मैंने बता दिया जितना बताना था, अमेंडमेंट की बात इसमें बाद में करेंगे। पर अगर तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदुओं को जगह नहीं मिलती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों? मैं इस विषय पे बाद में बात करूंगा जी आपके। ठीक है सर, नमस्ते, हमसे बात करने इस विषय पे बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। वैसे भी ये पूरा मामला अभी पार्लियामेंट के सामने है, कमेटी के सामने है, तो बहुत कुछ कह नहीं सकते इस वक्त इस मुद्दे पे।